क्या आपको पता है उल्लू के सिर और आंखों की खासियत, या फिर केन्या देश में क्या होता है रात के समय, या फिर जन्म के समय ऑक्टोपस का आकार कितना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नई और अद्भुत जानकारियां लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। धरती का सबसे भारी पेठा यानी कि कद्दू 950 किलो का है, यानी एक अल्टो कार से भी ज्यादा भारी। यदि आप कागज के किसी टुकड़े को 50 बार मोड़ने में सफल हो जाते हैं तो उसकी मोटाई सूरज तक पहुंच जाएगी। एक लीटर सोया सॉस पचाने से आपकी मौत भी हो सकती है। सूरजमुखी का फूल रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी साफ करने की क्षमता रखता है। उल्लू अपने सिर को 360 डिग्री यानी बिल्कुल गोल घुमा सकता है, लेकिन इसकी आंखें नहीं हिलती। हर साल सर्जरी कराते समय आग की चपेट में आने से 600 मरीजों की मौत हो जाती है। एक समय पर रियो डे जेनेरियो पुर्तगाल की राजधानी हुआ करती थी। उस समय यह अकेली ऐसी यूरोपियन राजधानी थी जो यूरोप से बाहर थी। यदि दुनिया में सभी अलगाववादियों की मांगे पूरी हो जाए तो 250 नए देश निकलकर आएंगे। अफ्रीका में 5 से 14 साल के हर 5 में से 2 बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। ब्रिटेन में अमेरिकी अंडों पर बैन है क्योंकि ये धोए जाते हैं, और अमेरिका में ब्रिटिश अंडों पर बैन क्योंकि ये धोए नहीं जाते। केन्या में रात को लगभग 26 लाख लोग नंगे होकर दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। गूगल ने सऊदी अरब के लीवा रेगिस्तान का स्ट्रीट व्यू कैप्चर करने के लिए एक ऊंट को हायर कर रखा है। हर 5,000 में से एक बच्चा बंद पिछवाड़े के साथ पैदा होता है। 2008 में ब्राजील के एक पादरी ने कुर्सी से 1,000 गुब्बारे बांधकर खुद को ऊपर उड़ा लिया। कुछ हफ्ते बाद वह समुंदर में मरा मिला। बाहर खाना पकाने से निकलने वाले धुएं की वजह से हर साल 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हॉलीवुड मूवी द गॉडफादर में घोड़े का जो सिर प्रयोग किया गया था वह असली था। 1963 तक दुनिया की कोई भी महिला फिजिक्स में नोबेल प्राइज नहीं जीत पाई थी। हर 18 में से एक पुरुष के शरीर पर 3 निप्पल होते हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश मडगास्कर में 90% ऐसे जानवर पाए गए हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। फ्रेंच लगभग 300 साल तक इंग्लैंड की आधिकारिक भाषा रही थी। चूहा अगर 5 मंजिला इमारत से भी कूद जाए तो भी उसे चोट नहीं लगेगी। जन्म के समय ऑक्टोपस का आकार एक पिस्सू जितना होता है। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो जाए। फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।